हरियाणा 1008 यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे भाइयों ने राम राम। दोस्तों मैं हूँ थारा भाई हरियाणवी रागनी गायक दिनेश किलोई और आज मैं महसवाल गांव में आया था। मेरे बड़े ही अजीज मित्र हैं भाई संजय पहलवान जी और बड़े अच्छे हास्य कलाकार हैं, आप भली भांति इनको जानते हो, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मेरे परम मित्र हैं। आज फ्री थे और कहीं कोई जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, बिल्कुल फ्री टाइम था तो भाई के पास वैसे मिलने जुलने के लिए आए थे और यहाँ पर आए तो भाई संजय बोला कि चलो ग्राउंड की तरफ चलते हैं, बच्चे हैं जो कबड्डी खेल रहे हैं, एक दो मैच देख आवेंगे। तो भाई आड़ा जब आए तो एक बात का बेरा पटा कि भैंसवाल गांव ने वैसे तो आप सब ने बेरा के बहुत घने प्लेयर दिए हैं और प्रो कबड्डी में जो कई भाई हैं उनके नाम है, हमारे जो कोच साहब हैं वो आपके बीच में बताऊँगे उन खिलाड़ियों के नाम जो इस जिस ग्राउंड पर हम खड़े हैं इसी ग्राउंड की देन है, जो बहुत सारे प्लेयर प्रो कबड्डी में यहाँ से पहुँचे हैं और कोच साहब से शिक्षा ले गए, वो आज अपने हरियाणा प्रदेश का और पूरे भारत देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने लग रहे हैं। तो आइए बात करते हैं कोच साहब से। कोच साहब राम राम। राम राम जी। राम। सबसे पहले तो कोच साहब जी अपना नाम बताएं, अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को। मेरा नाम भूपेंद्र मलिक है और मैं राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी रहा हूँ और 25-30 साल से मैं कबड्डी ग्राउंड चला रहा हूँ और सुबह शाम दोनों टाइम यहाँ प्रैक्टिस करवाता हूँ। अब कितने बच्चे खेल रहे हैं आपके पास? कम से कम 40-60 बच्चे आते हैं। भैंसवाल गांव के ही हैं या आसपास के गांव से भी? आसपास के गांव जो गोहांड हैं अपने नज़दीक के वो भी हैं और पहले तो भाई कोई यूपी से कोई कहीं से आ जाया करता, लेकिन मैं यहाँ रेजिडेंस नहीं कर रहा, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब 25-30 साल से फ्री जो है कोचिंग दे रहा हूँ। तो कोच साहब जैसे कि दर्शकों को बताया मैंने कि इस ग्राउंड ने, जिस ग्राउंड पर हम खड़े हैं जहाँ पे आप बच्चों की प्रैक्टिस करवाते हैं, इस ग्राउंड ने बहुत सारे प्लेयर दिए हैं, आप एक बार दर्शकों के सामने उनके नाम बताएं जो प्रो कबड्डी में यहाँ से आपसे शिक्षा लेकर इस ग्राउंड पर खेल कर मेहनत करके जो प्रो कबड्डी में गए हैं, उन प्लेयरों के नाम एक बार दर्शकों के सामने रखें। बिल्कुल, पहले तो जैसे गुजरात जायंट्स में हैं परवेश भैंसवाल सुनील जो गुजरात जायंट्स के कप्तान हैं, अंकित और सुमित मलिक, और दिल्ली दबंग में हैं मोहित और सुमित, यानी कि 6 खिलाड़ी हमारे प्रो में हैं। और भी जो यहाँ आया करते खिलाड़ी जैसे भाई नाडा है, सुरेंद्र नाडा, तो वो भी यहाँ प्रैक्टिस करी है आड़े तकरीबन वो रहा है, और भी कई खिलाड़ी थे फिर वो अब वास्ता कम रखते हैं, यहाँ से खिलाड़ी होने के बाद वो चले गए हैं, तो और कोशिश कर रहे हैं भाई और भी आगे जाएं और भी अच्छे। मेरे गांव किलोई से भी एक प्लेयर आपके पास खेल के गया है, मैंने यहां पे आने के बाद पता लगा है, उसका भी जिक्र एक बार हमारे दर्शकों के सामने बताएं, वो मतलब आज प्रो कबड्डी में उन्होंने भी एक अच्छा नाम हमारे गांव का किया है। हाँ वो भी आया करते, कई लड़के आया करते, और वो एक तो परवेश और सुनील के साथ ही मतलब जो ना प्रैक्टिस कराया करता, वो अमित था कलोई से, उसको प्यार से टॉफी कहते थे। अच्छा, अच्छा। तो सुनील और परवेश के साथ वो यहाँ प्रैक्टिस भी कराया करता और साई में भी इकट्ठे ही रहा करते। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और वो भी प्रो में मतलब जो है सिलेक्शन हुआ था, वो भी गया था जी। तो भाई बहुत सारे प्लेयर कोच साहब ने दिए हैं, इस ग्राउंड पर तैयार करे हैं, जो आज पूरे प्रदेश का पूरे देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने लग रहे हैं, और भाई साथ ही साथ आज एक मैच भी हमारे आने के बाद कोच साहब ने एक मैच लगवाया है, वो मैच स्पेशल आप लोगों को दिखाएंगे, जो इन बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं वो कितनी मेहनत करते हैं और किस लेवल पर वो तैयारी कर रहे हैं वो भी आपने दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले दो शब्द भाई संजय पहलवान जी। संजय भाई राम राम। सभी दर्शकों को भाई मेरी राम राम। भाई साहब आप वैसे तो सारी दुनिया जाना है आपने, आज जो है दो शब्द कोच साहब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब इन जो ये मेहनत कर रहे हैं उसके बारे में अपनी तरफ से दो शब्द जो भी आप इनके बारे में दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हो। भाई हमारे गांव में कोच साहब का बहुत बड़ा एहसान, मान लो इन्होंने भैंसवाल गांव में जो कबड्डी के खिलाड़ी इन्हीं की बदौलत तैयार हुए हैं और इन्होंने इतना त्याग कराया है, इनका गांव के अंदर मकान हुआ था वहाँ से अपना मकान छोड़ के बिल्कुल ग्राउंड के साथ में अपना मकान बना लिया ताकि भाई इन बच्चों पर दिन रात नज़र रखी जा सके, और कोच साहब का भाई ऐसा योगदान है इस खेल के प्रति, हम इसकी शब्दों में इसको बयां ही नहीं कर सकते। और
कोच साहब और भी बहुत अंतर्राष्ट्रीय बच्चे तैयार करे हैं जिनके बारे में कोच साहब और बता देंगे। और कोच साहब से भी बात करेंगे, लेकिन उनसे पहले हमारे साथ है भाई ढिल्ला है महसवाल से, अपने टाइम के बहुत ही अच्छे प्लेयर रहे हैं भाई ढिल्ले। राम राम। राम राम सभी दर्शकों को राम राम। भाई आप भी एक बार कोच साहब के बारे में, कोच साहब कितनी मेहनत करवा रहे हैं और किस लेवल के बच्चे यहाँ पे इस ग्राउंड में तैयार कर रहे हैं? भाई कोच साहब हमारे भी गुरु और इन बच्चे की भी और वह परोम जा रहे हैं उनके भी, अकेले ही इतनी मेहनत कर रहे हैं और किसी का कोई सहयोग नहीं गांव का और किसी बाहर गए का, कोई गांव में बाहर रहता उस किसी का सहयोग नहीं है, अकेले सुबह शाम मेहनत और चाहे कोई खर्चा करना हो कुछ भी करना हो तो अकेले ही सब कुछ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। और कोच साहब एक छोटी बात मेरे ध्यान में और आ गई, जैसे कि आपने बहुत सारे प्लेयर तैयार करे, प्रो कबड्डी में गए, उनने नाम कमाया, नाम के साथ साथ उन्होंने पैसा भी बहुत ज़्यादा उनके अकाउंट में आया, बहुत ज़्यादा मैंने सुना कि भाई करोड़ों रुपए प्लेयरों ने कमाए हैं, मतलब एक किस्म से कमाई ही कहेंगे उनकी वो, तो जैसे कि आपने उनकी मेहनत करवाई तो आपके हिस्से में कोई ऐसा कुछ आया आपका मान सम्मान, स्पेशल मान सम्मान, जैसे नुकार भाई एक करोड़ अगर किसी ने मिला है तो कुछ हिस्सा भाई गुरु दक्षिणा में भी कुछ उन्होंने लगाया या नहीं लगाया? देखो बात इसी है कि आज तक मेरा प्रण है कि मैं किसी पर कोई भी एक पैसा नहीं लिया करता और ना आगे लिया, चलो अब तो ये परो शुरू होगी, उससे पहले भी बहुत से खिलाड़ी तैयार किए, हर महकमे में मेरा लड़का है, हर महकमे में मेरा खिलाड़ी, लेकिन आज तक मैंने किसी पर कोई सहयोग नहीं लिया है। और ठीक बात है ये परो में बहुत मतलब इनको पैसा भी खूब मिला है, नौकरी भी मिल रही है, लेकिन मन ने आज तक किसी से कोई भी डिमांड नहीं करी और अगर कोई कहे भी तो मैं मना कर दूँ, मैंने इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं, फ्री में ग्राउंड चला रहा हूँ, फ्री में ही आगे चलाता रहूँगा, इतना मेरा शौक रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, ये काबिले तारीफ बात है। और आइए भाई इन सब बातों के साथ ईब लेवांगे एक मैच का आनंद बैठकन है, और आपसे भी प्रार्थना इस वीडियो ने पूरी देखियो और ये बालक कितनी मेहनत कर रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइयो। एक दो बात और बताऊंगे कोच साहब के, जो प्रो के अलावा और भी काफ़ी इंटरनेशनल खिलाड़ी तैयार करे ना उनके बारे में और बताऊंगे कोच साहब। जी कोच साहब। हाँ तो जैसे अपने सेफ गेम हुए 2019 में, उसमें जो है सुनील और प्रवेश दोनों एक ग्राउंड के एक गांव से दो खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, इंडिया टीम के सदस्य रहे और उनका इंडिया टीम को जिताने में अहम योगदान रहा। और उससे पहले जूनियर एशियन चैंपियनशिप हुई तेहरान के अंदर, उसमें गोल्ड लिया, उसमें भी मेरे लड़के जैसे प्रवेश का नाम आता है, अहम योगदान उसमें उसका भी रहा है और मेडल इंडिया के लिए वो लेके आया था। और राष्ट्रीय स्तर के तो अनेकों खिलाड़ी मेरे पास हैं, हर साल दो चार लड़के नेशनल रिप्रेजेंट करते हैं, स्टेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ और जूनियर के भी मेरे पास बहुत ही बढ़िया लड़के हैं और वो भी राष्ट्रीय स्तर के, जूनियर राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं और भी अच्छे अच्छे जो प्योद है वो और तैयार हो रही हैं, आते रहते हैं जी। और जैसा कि आप इतनी मेहनत करवा रहे हो, कुछ सब सरकार की तरफ से भी कोई योगदान है? नहीं कोई योगदान नहीं, सरकार की तरफ से मेरा कोई योगदान नहीं, सरकार का कोई योगदान नहीं इस ग्राउंड के ऊपर। जैसे ग्राउंड को थोड़ा बहुत डेवलप करने में या कोई ऐसी सुविधा देने में कि भाई बाहर के जो बच्चे आते हैं उनके रहने का प्रबंध हो जावे या इस तरह से अकेडमी टाइप अगर कोई है कुछ यहाँ पे प्रबंध? नहीं वैसे तो हमारे गांव में स्टेडियम वगैरह हैं, लेकिन वहाँ मेरा दूर पड़ता है मेरा, क्यों मेरा घर के काम भी हैं तो मैंने सारा अपने लेवल पर करता हूँ, किसी सरकार का कोई सहयोग नहीं है और ना ही हम मतलब कोशिश करते, भाई हमने कोशिश भी नहीं करी और ना ही कोई मतलब जो है ना आप पता है आज की दुनिया का, तो हम तो अपने लेवल पर लग रहे हैं, अपने जो साथी हैं अगर थोड़ी मोटी हो सके तो ये जो अपने पुराने नौकरी वाले हैं या ये पहलवान हैं ये तो इन्हीं की थोड़ी मोटी मदद इन्हीं से मिलती है। हाँ तो बालकों को जो प्रोत्साहन दो करते हैं तो इन्हीं के द्वारा। तो जो ये बच्चे आसपास के गांव से आते हैं ये रोज़ाना खेल के अपने घर चले जाते हैं? हाँ ये अप डाउन करें हैं अपनी बाइक वगैरह साइकिल वगैरह जो भी इनका जो सिस्टम है 8-7 किलोमीटर के एरिया में पड़े हैं ये, सुबह शाम दोनों टाइम आते हैं। तो भाई जो सरकार का अगर कोई नुमाइंदा अगर इस वीडियो ने देखता हो तो भाई उनसे भी मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है कि भाई थोड़ा ध्यान दें इस बात पर
कि जो कोच साहब ने इतनी मेहनत यहाँ पर कर रहे हैं, इतने बच्चों को तैयार कर रहे हैं और जो देश विदेश तक इस ग्राउंड से बच्चे पहुँचे हैं, तो भाई आपसे निवेदन है कि सरकार अगर थोड़ी सी भी मदद करें तो इस ग्राउंड में थोड़ा ऐसा हो जाए कि जो आसपास के जो बच्चे हैं जो साइकिलां बजाए हैं सुबह शाम, अब जैसे सर्दियों का है भाई, धुंध भी पड़ा है भाई, बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएँ भी होती हैं रोडों पर, आप सब ने बेरा है, तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर थोड़ा सा सरकार की तरफ से भी अगर योगदान मिल जाए तो इस ग्राउंड में थोड़ा ऐसा हो जाए भाई, कमरे कमरे बन जाए, बालका का डटन का हो जाए, बाकी तो मेहनत कोच साहब करने लग रहे हैं। तो आइए इन सब बातों के साथ ही लेवांगे एक मैच का आनंद, तो आओ कोच साहब। चलो भाई मान दिए भाई, मान देख ना, मान दिए रे, झगड़ा होगा डर डर ना सके, हां नाना डरा सब ले तेरे पास होगा, मार दे झगड़ा ने दिए क्या लाला बोल के भाई, मान दिए चल रे चल रे लावा मार दिया।
तारे ऊपर लागे गए
अगला बोनस कौन जाना रिएक्शन नहीं करना तुम के कणदा रे ये हाथन मोर ले ले रे ला रे बोला रे अरे हाथ रिएक्शन कर ओ मार दे मार दे रे तू अंडागा बोला ओए देव मार ले बाजे ला मार नहीं है देख पैसा ले अच्छा लाग खड़ा रहा ले उड़ जा लिए खड़ा रहा ऊपर किन मरवा लिए मैं ले खड़ा रहा ले
ले टाइट हो
आगे नहीं बोल उसके आएगा मार के बहुत बढ़िया इन्हें क्यों कर लो फिर मेरा चलो के मारा तो गाई ला
दूर नाराज है मान दिए तू वो बेटा का वही बेटा दे दिया आपका है बस आगे राजा घर लिया गया मेरे आ रहे हैं पकड़े तू पाचा वैसे वो कहाँ है गाड़ा पड़ेगा हाँ सुधे एक हम खाने ना रमान जी दो मिनट अच्छी
अरे बड़े सिक्के बनाने थी बनाई गए स्कोर बताइयो कोच साहब। 40-27 दोबारा बताइए एक बार। 40-27 ठीक है। तो भाई इस मैच में ये प्लेयर हैं जो लाइन में खड़े हैं सारे, ये इस मैच में भाग ले रहे थे। अब इनका परिचय मैं एक बार करवाना चाहूँगा। भाई सारे भाइयों ने अपना नाम और अपने गांव का नाम बताना है। भाई मेरा नाम साहिल, गांव का नाम लाठ है। मेरा नाम जतिन, मेरे गांव का नाम बैसोल। मेरा नाम अनुज, गांव लाठ। मेरा नाम सागर है, मैं बैसोल। मेरा नाम साहिल, गांव बैसवाल। मेरा नाम निशांत, गांव बैसवाल। मेरा नाम अंकुश, गांव कटोड़। मेरा नाम अंकित, गांव बैसवाल। मेरा नाम अजय, गांव लाठ। मेरा नाम साहिल, गांव बैसवाल। मेरा नाम अनुज, गांव पिनाना। मेरा नाम मोनू, गांव का नाम बैसवाल। मेरा नाम तुषार, गांव आवली। मेरा नाम गोलू, गांव बैसवाल। मेरा नाम अभिनव, गांव आवली। मेरा नाम देव, गांव बैसवाल। मेरा नाम आदर्श, गांव बैसवाल। नाम आदर्श। तो भाई ये सारे प्लेयर इस गेम में जो है हिस्सा ले रहे थे। बहुत बढ़िया भैया ने इन सारे ने गेम दिखाया है और बड़ी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। भाई सारे भैया का यह प्रार्थना है कि और भी ज़्यादा आप मेहनत करो, अपने गांव का, अपने प्रदेश का और अपने देश का नाम रोशन। एक पहलवान, एक कलाकार, एक खिलाड़ी जो इस तरह से जो होते हैं इन फील्डों में, वो बहुत दूर तक अपने देश का, अपने प्रदेश का नाम करते हैं, अपने गांव का नाम करते हैं, अपने माता पिता का नाम करते हैं। एक बार तो भाई सारे भाई अपने लिए क्लैपिंग। और कोच साहब के सानिध्य में ये सभी बच्चे खेल रहे हैं। कोच साहब एक बार इन बच्चों के लिए दो शब्द आप कैसा अपने शब्दों में इनको संदेश देना चाहते हैं, सभी आपके सामने खड़े हैं। भाई हम तो इनको यही संदेश देंगे, अगर भाई अब ये टाइम है तुम्हारा कुछ करने का, तो अब ये जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितनी बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे, आगे कामयाब हो जाएंगे, अपने गांव का नाम रोशन करेंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, अपने प्रदेश का नाम रोशन करेंगे, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। हमारी तो यही उम्मीद इनसे है और इसी उम्मीद के साथ हम इनके साथ लग रहे हैं। और कोशिश ये रहेगी अगर भाई हम तो हमारा तो काम प्रैक्टिस करवाने का है, मेहनत करवाने का है, ज़्यादा से ज़्यादा हम करवाने लग रहे हैं और करवाओ भी। कुछ अब इनके जो परिवार वाले हैं उनके लिए कोई संदेश? नहीं, उनके लिए तो यही संदेश है, अपने बच्चे की परवरिश करो, उन्हें अच्छा खाने को दो और टाइम पर ग्राउंड पर भेजो। सिर्फ मैं तो यही कहना चाहूँगा कि इनको गैर हाजिर मत होने दो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई यो देखा आपने मैच और कोच साहब के विचार सुने, और कोच साहब एक बार दो शब्द हमारे दर्शकों के लिए और आप प्लीज। दर्शकों को भी मेरा तो यही कहना है कि जो नौजवान खिलाड़ी हैं उनका उत्साह बढ़ाओ जी, उनके लिए मतलब कुछ मतलब ऐसा है कि उनको मतलब प्रोत्साहन करो, तो तभी वो आगे बढ़ेंगे। उनकी आप मतलब जो कोशिश करेंगे भाई, उनको प्रोत्साहन करेंगे, उनको आशीर्वाद देंगे, तो मेरा तो यही कहना दर्शकों के लिए है जी, अगर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उनको बढ़ावा दो जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई एक बार फिर किसी अगले एपिसोड में कोई और अच्छी, कोई खिलाड़ी, कोई कलाकार, कोई कवि, मैंने तो आपने बेरा किया अपना, अपन जो चैनल बना रखा है वो कवियों के लिए बनाया था भाई, जो हमारे जो कवि हैं
जो बहुत अच्छी रचनाएं करते हैं और किसी न किसी वजह से उनकी रचनाएं दबी हुई हैं, लोगों के सामने नहीं आ पाई हैं, उन लोगों के हम इस चैनल पर आपके सामने लेकर आते हैं। तो भाई आप इस चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज यो मैच आपने देखा, इसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को हाथ जोड़ के राम राम, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।